नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 8वीं की संसाधन और विकास के बारे में। तो इसमें हम लोग विषय सूची देख चुके थे, आज हमें फर्स्ट चैप्टर देखना है संसाधन। मैं बार बार एक ही शब्द बोलता आया हूँ कि इन्हें कहानी का रूप देकर पढ़िए, क्योंकि बहुत ही साधारण शब्दों में लिखी गई है आपकी बुक्स, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बने रहिए, ठीक है। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीजों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है, मोना ने कहा। इसलिए ये महत्वपूर्ण है, अम्मा ने कहा। ये संसाधन है। संसाधन क्या है, अम्मा ने से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन होता है। अब देखिए, यहाँ संसाधन की परिभाषा बताने के लिए आपके सामने पूरी कहानी दी गई है, जिससे आप समझ सकें बेहतर तरीके से। अब एक लाइन में भी इसकी परिभाषा दे सकती थी। किस तरह से, प्रत्येक वो वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह हमारे लिए संसाधन होता है। तो इसी तरह से आपको इस पॉइंटों को पॉइंट बाय पॉइंट पकड़ना है और निकल जाना है, ठीक है। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए कि आप संसाधनों के विविध प्रकारों की पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी आपके लिए संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया, जिन्होंने जिन ताजी सब्जियों का उपयोग किया वे भी एक संसाधन है। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ पुस्तक सभी में कुछ एक जैसा क्या है, उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे उपयोगी हैं। और एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करती है। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, किसने कहा, ये अम्मा ने कहा। मूल का अर्थ क्या होता है, आखिर मूल शब्द आया है तो मूल का महत्व क्या होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल नहीं होता है। उदाहरणतः धातुओं का आर्थिक मूल होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल नहीं होता है। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है, मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों को का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। अब पेटेंट यहाँ शब्द आया है तो इसकी परिभाषा क्या है, इसका तात्पर्य है किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से पेटेंट कराना, ठीक है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं, दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। समय और प्रौद्योगिकी दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एक आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का विचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास भी हुआ है। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकियों ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करने उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। प्रौद्योगिकी किसी कौशल करने
अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुपयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। संसाधनों के प्रकार देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं? संसाधनों के प्रकार। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। प्राकृतिक संसाधन की बात करें, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और आर्थिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियां और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं, सीधे उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। बात करते हैं नवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रिया का प्रभाव नहीं होता है, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा, वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय और संसाधन प्रतीत होते हैं, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। अब बात करते हैं नवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। अभी आप लोगों ने करंट में दो शब्द सुने होंगे, नवीकरणीय ऊर्जा, अनवीकरणीय ऊर्जा। तो ये वही होते हैं जैसे सूर्य से हमें प्राप्त हो रही, या जल से, या वायु से। तो ये नवीकरणीय ऊर्जा हो गई, और जो कोयला है हमारा, पेट्रोल है, क्योंकि ये खत्म होने के कगार पे हैं, कभी भी खत्म हो सकते हैं, तो ये अनवीकरणीय ऊर्जा। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं आपके। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊर्जा, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। संसाधन का भंडार या उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। बात करते हैं मानव निर्मित संसाधन। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक कि लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन, वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा, हाँ राजू, ने स्वीकृति में सिर हिलाए। कुछ नवीकरणीय संसाधनों के बारे में सोचिए, बताइए किस प्रकार संसाधनों का उपयोग करके उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे मानव संसाधन। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोग मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधन के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। मानव संसाधन के लिए जापान आपका बहुत आगे है हम लोगों से। आप भी जानते हैं कि दो बार परमाणु हमला सहने के बाद भी, झेलने के बाद भी, आज अमेरिका विकसित देशों में
गिना जा रहा है। सूख, यहाँ देख लीजिए कुछ पॉइंट दिए हुए। सूखे के कारण फसलों का विनाश, क्या मैं इसका समाधान निकाल सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। यह सब ज्ञान और शिक्षा कौशल के कारण संभव हुआ कि हम इसको समाधान निकाल पाए। मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता, मानसिक और शारीरिक से है। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है, इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मूलतः मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूलवान संसाधन बनाने में सहायता करती हैं। बात करते हैं संसाधन संरक्षण। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा, बुरा सपना स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया और सारे पेड़ कट गए। वहां पर ना तो छाया ही थी और ना ही खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। अब उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या यह सच में हो सकता है? अम्मा ने कहा, हाँ। अम्मा ने उत्तर दिया, हाँ, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ। किसने बोला? अम्मा ने। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? सतत पोषणीय विकास। संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें। ये क्या होता है? सतत पोषणीय विकास। संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना, उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है, क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्तुओं तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवार को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। जस्सी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज व्यर्थ ना हो। उसने स्पष्ट किया, कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो, मुस्तफा ने जोर से कहा। विद्युत जल और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है, आशा ने कहा। बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए। आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा हुआ है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य होगा कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय है, पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। या आपके सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत दिए गए, इन्हें भी देख लेते हैं। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने के योग बनाना। पता है हमारे यहाँ क्या सोचते हैं? अरे क्या हमारे अकेले करने से क्या बदल जाएगा?
कई लोग देखा होगा आपने कि अरे हमारे अकेले करने से क्या, अरे भाई तुम तो आगे बढ़ो, पीछे कई लोग बढ़ जाएंगे, एक कदम तुम तो आगे बढ़ सकते हो। इसी पर आपकी एक कहानी है। एक गांव में दूध लेने आता था कोई, दूध इकट्ठा हो रहा था, कोई कार्यक्रम होगा धार्मिक कार्य के लिए। तो किसी ने सोचा, हर वहां के जो भी गांव वाले थे तो उन्होंने सोचा कि चलिए मैं पानी डाल देता हूँ डिब्बे में, मतलब गुप्त दूध डालना था टैंकर में। कोई टैंकर आया हुआ था, कोई वहां चेक करने वाला नहीं था कि तुम दूध लाए रहे हो या पानी। तो उनमें से एक ने सोचा, हर किसी ने सोचा कि चलो हमारे अकेले पानी डाल देते हैं, क्या फर्क पड़ेगा। तो पूरे गांव ने यही सोचा। क्या सोचा? कि हमारे अकेले पानी डालने से क्या फर्क पड़ जाए। उनमें से किसी ने दूध नहीं डाला, पानी ही पानी हो गया टैंकर। समझ में आया कि हम क्या सोचते हैं कि दूसरा नहीं बचा रहा है तो हम क्या करें, और यही सबकी सोच बनी रहती। तो हर कोई इसे संभालिए और रखिए। आप बढ़ेंगे तो अपने आप लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए 2014 से पहले सब साफ सफाई के मामले में, स्वच्छता के बारे में कितनी जागरूकता थी, क्या हाल थे। लेकिन अब देखिए, कम से कम नरेंद्र मोदी आए, प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कुछ किया तो है। उन्होंने एक कदम बढ़ाया, आप लोग उनके साथ बढ़ गए, और स्वच्छता से हमारा देश देख रहे हैं, हर जगह आपको स्वच्छता मिलती है। ठीक है, ये आपके कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न दिए गए हैं, इन्हें लगा लेना, और आपकी पीडीएफ जो होगी उसे हम लोग आज टेलीग्राम पर डाल देंगे। ठीक है, वहाँ जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और अपने पास रख लीजिए, जिससे कभी टाइम मिले तो उससे एक बार रिवीजन कर लें। तो ये था आपका फर्स्ट अध्याय, संसाधन। अगले चैप्टर में हम लोग बात करेंगे अध्याय दो में, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन के बारे में।